चिचोली के जलस्तंभ चौक पर बने शहीद स्मारक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर किया क्षतिग्रस्त। बैतूल जिले के चिचोली नगर के जय स्तंभ चौक पर बने 60 वर्ष पुराने शहीद स्मारक को एक ट्रक इंदौर से नागपुर गेहूं का आटा भरकर ले जा रहा था। ड्राइवर दौलत पिता सूरजमल जाट ने लापरवाही पूर्वक ट्रक वाहन चलाकर शहीद स्मारक को तोड़ दिया, खरोच मारकर ट्रक से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस को सूचना लगते ही थाना प्रभारी आरडी शर्मा के दल बल ने गाड़ी दौड़ाकर ट्रक के ड्राइवर को बैतूल रोड के एक पेट्रोल पंप के पास पकड़कर मामला दर्ज कर लिया है। उधर स्वतंत्रता संग्राम संघ के अनिल पटेल, अनिल भूसारी, नितिन आर्य, संजय आवलेकर ने शहीद स्मारक को क्षतिग्रस्त करने वाले पर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी और तहसीलदार लवीना घाघरे को एक ज्ञापन सौंपा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का कहना है कि इससे हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 24 नाम अंकित थे। हमारे सेनानी संघ के सदस्य अनिल पटेल जी, संजय आवलेकर जी, नितिन आर्य जी और मैं और महेश दत्त माचीवार जी, हम सभी लोग थाना चिचोली गए थे। टीआई साहब से बात हुई है, FIR करवा दी गई है। उसके पश्चात यहाँ तहसीलदार मैडम को भी, CMO चिचोली को भी आवेदन जो है ज्ञापन की कॉपी दे दी गई है उनको, और उनसे निवेदन किया है कि उचित कार्रवाई की जाए। चूँकि ये हमारे पुरखों की, पूर्वजों की जो सेनानी थे उनकी ये धरोहर है और इसको जो है ठीक किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। ने तो नहीं, लोगों ने देख लिया था यहाँ पे कि कौन सा ट्रक है। ट्रक भी पुलिस ने बाकायदा कार्रवाई करके ट्रक को भी अंदर जब्त कर लिया था, कर लिया है और उसकी FIR हो गई है। इसके पुनर्निर्माण के लिए यानी रिपेयरिंग करके इसके हमारे पुरखों की ये वो है धरोहर है, इसको रिपेयर करके यथावत जैसे का वैसा बनाया जाए, यही मांग है बस।